मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भजनलाल जाटव वैर भुसावर से विधायक हैं और राजस्थान सरकार में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री रह चुके हैं। स्वतंत्र प्रभार उनके पास था। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का भी स्वतंत्र प्रभार रहा। कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग में राज्य मंत्री रहे, यानी कि वो विभिन्न मंत्रालय संभाल चुके हैं। भजनलाल जाटव हर विधायक के लिए नारेबाजी। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से विधायक हैं और इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है अलवर में। कांग्रेस के ही विधायक हैं जो टीकाराम जूली को पदोन्नति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में श्रम विभाग स्वतंत्र प्रभार इनके पास था। कारखाना एंड बॉयलर्स निरीक्षण का प्रभार भी था। सहकारिता इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राज्य मंत्री वो रहे। अब इन्हीं के जिले में यानी कि अलवर में इनका जबरदस्त विरोध भी है और आज अलवर के दूसरे विधायक ने इनका विरोध करते हुए इस्तीफे तक की धमकी दी है। टीकाराम जूली मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। गोविंद राम मेघवाल वरिष्ठ कांग्रेस के राजस्थान के नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव भी हैं। संसदीय सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं और खाजूवाला से विधायक हैं लेकिन नोखा से भी विधायक रह चुके हैं। तो गोविंद राम मेघवाल
वर्तमान में खाजूवाला से वो विधायक हैं, लेकिन नोखा से भी वो एक बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन संसदीय सचिव भी गोविंद राम मेघवाल रह चुके हैं। वरिष्ठ नेता हैं और इनका इनके शकुंतला रावत मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। राम राम। बांसूर से विधायक हैं शकुंतला रावत, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है उन्हें।